वेलेंटिस यहाँ कैंसर को मात देने में पूर्णतः सक्षम रेजिडेंट टोमोथेरेपी मशीन से इलाज किया जाता है। टोमोथेरेपी कैंसर रोगियों के लिए किसी वरदान से कम नहीं। कैंसर मरीजों के लिए समर्पित उत्तरी भारत का एकमात्र हॉस्पिटल वेलेंटिस, मवाना रोड, मसूरी, मेरठ। मेरठ शहर विधानसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी कमल दत्त शर्मा के चुनाव प्रचार ने जोर पकड़ लिया है। चारों तरफ से उन्हें समर्थन मिल रहा है। उनकी धर्मपत्नी रूपा शर्मा भी लगातार महिला टीम को लेकर चुनाव प्रचार में लगी हैं और घर घर जाकर कमल दत्त शर्मा के पक्ष में मतदान करने की अपील कर रही हैं। उनका भी जगह जगह स्वागत किया जा रहा है। इस स्वागत से कमल की धर्मपत्नी रूपा शर्मा भी बेहद उत्साहित नजर आ रही हैं। फर्स्ट बाइट टीम ने आज ऐसे ही लम्हों को अपने कैमरे में कैद किया है, देखिए। हमें बहुत अच्छा समर्थन मिल रहा है और 100% हम विजयी होंगे और ये हमारी बहनों का इतना सहयोग और हमारे भाइयों का इतना सहयोग हमें मिल रहा है कि हम जरूर जरूर विजयी बनेंगे। 10 तारीख को हमारा बहुमत होगा और 10 मार्च को हम बहुत ज़्यादा बहुमत से जीतेंगे। जनता पार्टी कमल का फूल और ये जितना विकास के कार्य हमारी भारतीय जनता पार्टी और योगी और मोदी की डबल इंजन की सरकार ने किए हैं, वास्तविक में आज तक 70 सालों में किसी भी सरकार ने नहीं किए हैं। और जो जनता में हम जा रहे हैं, हमें जनता में से जो संदेश आ रहा है निकल के, वो किसी धर्म और जाति को लेके नहीं, सिर्फ जो विकास के लिए भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव में उतरे हैं विकास को लेके, जिससे मकान हो, चाहे राशन हो, चाहे गरीबों को BPL का कार्ड, मतलब अन्य योजनाएँ, इतनी योजनाएँ हैं कि गिना नहीं सकते। जनधन योजना है, सबसे बड़ी तो हमारी सुरक्षा के लिए है, जो मोदी ने और योगी ने काम करा है, जो हमारी बहन बेटियां सड़कों पर चलती थीं, जो हमारी बहन बेटियां स्कूलों में जाती थीं, ऑफिस में हमारी बेटियां बहुएं काम करती थीं और जब वहां से लौटती थीं, तो अब आपको क्या बताएं, किसी धर्म को नहीं लेके, गलत आदमी गलत होता है चाहे वो किसी मजहब का हो, ऐसे अश्लील भद्दे गाने चलाते थे टेम्पुओं में और उनसे जब कहते थे कि जब उनसे बोलते थे कि भैया ये बंद कर लो आप, तो पता उनका एक बात थी, आप उतर जाओ, क्योंकि मजबूरी थी कि हमें पहुंचना अपने घर था, तो मजबूरी में हमें वो गाने और गंदी हरकतें उनकी बर्दाश्त करनी पड़ती थी। और भारतीय जनता पार्टी ने बहनों का सम्मान बढ़ाया, बेटियों का। भारतीय जनता पार्टी में कमल दत्त शर्मा जी खड़े हैं, अरवे जीतेंगे, अरवे जरूरी जीतेंगे, क्योंकि उन्होंने लोगों के लिए काम भी किए हैं, सत्ता में थे तब भी किए, नहीं थे तब भी किए, और अब तो उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ने उनको टिकट देकर सम्मानित किया है। 101% वे जीतेंगे, उनकी टक्कर में कोई भी नहीं है सामने। इस खबर में फिलहाल इतना ही, आप देखते रहिए फर्स्ट बाइट TV। नमस्कार।